हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट केलॉग ब्रायन पैक के बारे में। यहां दोस्तों केलॉग ब्रायन पैक पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग इसके बैकग्राउंड की तरफ बात करेंगे दोस्तों, एंड देन इसके जो प्रोविजन थी उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके इवेल्युएशन पर, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन पर ध्यान देंगे दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर बात करें केलॉग ब्रायन पैक के बैकग्राउंड के बारे में, तो कहीं ना कहीं पैक्ट ऑफ पेरिस और केलॉग ब्रायन पैक्ट, ये एक दूसरा स्टेप माना जाता है टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। वेल, लुकानो पैक्ट दैट सेट द बॉल रोलिंग, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ कॉर्डियलिटी एंड कॉन्फिडेंस अमंग द यूरोपियन पावर्स। मीनवाइल क्या होता है कि एन एटमोस्फियर ऑफ एंटी वॉर एजिटेशन वॉज बॉर्न इन द USA. While the world public opinion was also in favor of peace. So, इसी background में, इसी atmosphere में Kellogg-Briand Pact आता है, जो के sign किया जाता है in the year 1928. एक और बात बता दूं दोस्तों कि 1928 ये वो decade था, from 1920 to 1930 ये वो decade माना जाता है basically, जो post world war scenario में कहीं ना कहीं ज्यादा जो एक casualty हुई थी और जो territorial relocations हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं जितने भी बड़े कंट्रीज थे, यूरोपियन पावर्स जो थे, वो अपने अपने मींस को पूरा करने के लिए और कॉम्पेंसेट करने के लिए, दोबारा वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी का खतरा ना हो, ये हर मुमकिन हर तरीके से इस बात का ध्यान रख रहे थे। वेल, तो रिपरेशन जब प्रॉब्लम आया जर्मनी के बारे में, डेवेस प्लान एंड यंग प्लान के बारे में भी हमने देखा, सो हर तरीके से एक सिक्योरिटी एंड पीस के बारे में सोचा जा रहा था। सो इस केलॉग ब्रायन पैक्ट में भी वर्ल्ड पीस को दोबारा एक तरीके से एम्फसाइज किया गया इन द ईयर 1928। वेल, इट वाज द आउटकम ऑफ द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एरिस्टिड ब्रायंट, द फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर, ये फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर थे, एंड फ्रैंक केलॉग जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे USA के। सो इनको मिलाकर जो पैक्ट हुआ उसको दैट इज कॉल्ड केलॉग ब्रायन पैक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रपोजल सामने रखा था ऑफ अ नो वॉर पैक टू द USA इन 1927। वेल, USA भी चाहती थी टू इंक्लूड अदर स्टेट्स आल्सो इनटू द पैक। ब्रायन ने जो के फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर थे, वो अग्री करते इस बात को लेकर। सो इस तरीके से केलॉग ब्रायन पैक और द पैक्ट ऑफ पेरिस वाज साइंड ऑन अगस्त 29, 1928, एंड एज मेनी एज 15 स्टेट्स इसमें शामिल हुए थे, इंक्लूडिंग फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, बेल्जियम, पोलैंड एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस केलॉग ब्रायन पैक्ट। वेल, बाय 1930 The number of signatories rose to 62, 65 भी है कुछ according to different other sources. Well, ये कहा गया है कि the Pact of Paris was born of American interests and French courtesy. At first, Soviet Russia वो condemn करती है इस pact को as an instance of bourgeois conspiracy in the international field. But later on, she also joined the pact and tried to strengthen it. Well, अब बात करेंगे इसके प्रोविजंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोविजंस है पैक्ट, कहीं ना कहीं एक प्रीफेस एंड थ्री क्लॉजेस को कंटेन करता है। वेल, ये डिक्लेयर किया गया इन द प्रीफेस के जितने भी उसका जो सोल ऑब्जेक्ट होगा, इस पैक्ट का जो सोल ऑब्जेक्ट है वो दरअसल वॉज टू पुट अ हॉल्ट टू वॉर एंड एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड, ताकि पूरे दुनिया में पीस एंड हार्मनी को मेंटेन किया जा सके, दोबारा अच्छे से उसको रखा जा सके। वेल, थ्री क्लॉजेस थे इस पैक के। पहला था अबंडनमेंट ऑफ वॉर एज अ नेशनल पॉलिसी, या दोस्तों दोबारा इस टाइप का कोई वॉर ना हो, कोई भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वॉर ना करे, बल्कि म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाए रखे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रखे, ये नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए सभी कंट्रीज की। दूसरा, सेटलमेंट ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, यानी किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली किसी भी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे नेशनल और इंटरनेशनल, वो
पीसफुल मीन पीसफुल तरीके से वो उस मामले को सॉल्व करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू कीप द पैक्ट ओपन फॉर अदर स्टेट्स, और इस पैक्ट को दूसरे कंट्रीज के लिए मतलब ओपन रखा जाए. वेल, अब बात करेंगे इसके इवैल्यूएशन के बारे में. तो इवैल्यूएशन में पहला जो पॉइंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंस. तो इंपॉर्टेंस हम यू कह सकते हैं दोस्तों के फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसका इंपॉर्टेंस यू नो एक इमेंस नेचर को अज्यूम करता है. वेल, ये पहली बार था फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स इन्होंने साइन किया फॉर एंटी वॉर पैक्ट, राइट, जो एक होप क्रिएट करता है इन द पब्लिक माइंड. वेल, दूसरा जो पॉइंट था, ये पहली बार था, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत रशिया एंड यूएसए एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, कॉन्टैक्ट पे आते हैं. तीसरा पॉइंट, लेटर ऑन इन इमिटेशन ऑफ द पैक्ट डिफरेंट स्टेट्स कंक्लूडेड वेरियस पैक्ट्स ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन. तो म्यूचुअल कोऑपरेशन को लेकर भी इस पैक्ट को यू नो एज अ की फॉलो किया जाता है. वेल, ये तो थी इंपॉर्टेंस. अब है लिमिटेशंस के बारे में. तो लिमिटेशंस, पैक्ट जो पैक्ट ऑफ पेरिस या केलॉग ब्रायन पैक्ट वॉज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑन क्रिटिसिज्म. पहला था, दिस ट्रीटी डिड नॉट प्रोहिबिट ऑल टाइप्स ऑफ वॉर, सभी टाइप्स के वॉर को प्रोहिबिट नहीं करती है, और द स्टेट्स कुड रिजॉर्ट टू वॉर फॉर सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एनी ट्रीटी ब्रेकिंग स्टेट इन डिफेंस ऑफ कॉलोनियल इंटरेस्ट एंड एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लीग काउंसिल. ओनली एग्रेसिव वॉर वॉज बैंड और प्रोहिबिटेड. तो ये मामला था कि जितनी भी एग्रेसिव वॉर है उनको ही बैन किया गया था, प्रोहिबिट किया गया था. एंड इट डिड नॉट मेंशन एनी स्टेप टू बी टेकन अगेंस्ट द स्टेट्स वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट ऑफ द पैक्ट. वेल, ये तो था इसका लिमिटेशंस. एंड देन विल कम टू कंक्लूजन. सो इस तरीके से जितने भी लिमिटेशंस है, इन लिमिटेशंस के बावजूद भी, यानी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, द पैक्ट ऑफ पेरिस और केलॉग ब्रायन पैक्ट ये इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर वेरियस रीजंस. पहला दोस्तों कि ये बेमिसाल था, इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स. दूसरा, द ट्रीटी वॉज साइंड बाय एज मेनी एज 15 स्टेट्स इनिशियली, लेटर द नंबर ऑफ सिग्नेटरीज इंक्रीज टू 65. तो ये काबिले तारीफ बात है, जो पैक्ट 15 मेंबर्स के साथ मिलकर साइन की गई थी, बाद में बढ़कर ये 65 हो जाती है. बट देयर वाज नो अदर एग्जांपल ऑफ ग्रेटर यूनिटी अमंग द स्टेट्स देन दिस. वेल, तीसरा होगा दोस्तों, इट वाज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड एंड इट रिनाउंस्ड वॉर एज अ मींस ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो यू कह सकते हैं दोस्तों, इन शॉर्ट, के केलॉग ब्रायन पैक्ट जस्ट लाइक एनी अदर बैकग्राउंड फॉर द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, चाहे वो किसी भी टाइप का प्लान हो, कमिटीज हो, सजेशंस हो या और दूसरे ट्रीटीज हो, ये सभी के सभी वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए की गई थी. सिमिलरली केलॉग ब्रायन पैक्ट का भी इंटेंशन यही था. सो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.